ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत की धरती पिंक सिटी जयपुर में आप सभी सम्मानित अतिथियों का मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज का हमारे मंच है अलादीन डिजिटल सॉल्यूशंस ALDS प्रेजेंट्स न्यूज 18 राजस्थान ई कॉमर्स समिट 2024 सीजन 2.0 विच इज को प्रेजेंटेड बाय महात्मा गांधी हॉस्पिटल जयपुर, पावर्ड बाय ऑन प्रिंट एक्सप्रेस एंड को पावर्ड बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो आगे बढ़ते हैं, इस मंच पर आज बात होगी कारोबार को विस्तार दे रही ई कॉमर्स के बारे में, साथ ही में राजस्थान के सबसे बड़े बिजनेस लीडर्स के साथ बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर यानी कि स्पेशल गेस्ट के रूप में आज हमारे बीच मौजूद रहेंगे द 100 ओपन स्टार्टअप्स के को फाउंडर मिस्टर वरदराजन कृष्ण और सिक्योरिटी प्रोडक्ट एंड कंसल्टेशन एक्सपर्ट मिस्टर तरुण कृष्णमूर्ति। एक बार जोरदार तालियां हमारे दोनों खास मेहमानों के लिए। और मैं अमित भट्टी से अनुरोध करूंगी, जो हमारे न्यूज 18 राजस्थान के एडिटर हैं, हमारे स्पेशल गेस्ट का स्वागत करें मिस्टर वरदराजन कृष्ण। और मैं विपिन जी से अनुरोध करूंगी, जो कि न्यूज 18 के सेल्स हेड हैं, एक बार फूलों के साथ स्वागत करें। स्पेशल गेस्ट है मिस्टर तरुण कृष्णमूर्ति, गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। चलिए, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन सबसे पहले धन्यवाद उन सहयोगियों का जिनके बिना आज ई कॉमर्स समिट सीजन 2.0 आज हम इसे साकार नहीं कर पाते। तो आज के हमारे सहयोगी हैं यानी कि स्पॉन्सर्स हैं अलादीन डिजिटल सॉल्यूशंस, महात्मा गांधी हॉस्पिटल जयपुर, ऑन पॉइंट एक्सप्रेस, जैना मिल्क प्रोडक्ट्स रानी स्टेशन पाली चिरायू हॉस्पिटल, ब्रेनवेस्ट ब्रेन मैपिंग लैब इंडिया, HRD हायर सेकेंडरी स्कूल, रेक्स पाइप्स एंड केबल्स, वाइब्रेंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, चनाना पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल चनाना झुंझुनू, राजस्थान NDA अकेडमी सीकर, नोबल विजडम इंस्टीट्यूट एजुकेशनल कंसल्टेंट नाडोल पाली, तक्सिला बियॉन्ड एजुकेशन, JKJ ज्वेलर्स, देसी मोची, आर्या कॉलेज, प्रेस्को, AI जेनेसिस बेबीलोन हॉस्पिटल, केनवुड इंटरनेशनल एजुकेशन, गुढ़ा पब्लिक स्कूल नीम कठाना, श्रीराम मंदिर अयोध्या, धार्मिक आयोजन सेवा समिति एवं एस्ट्रो सॉल्यूशंस एंड hanumangadi.com। हमारे सभी सहयोगों का एक बार तहे दिल से शुक्रिया, एक बार जोरदार तालियां। और अभिभावित भट्टी से अनुरोध करूंगी, जो कि न्यूज 18 राजस्थान के एडिटर हैं, कृपया मंच पर आए और हमारे बीच सभी अतिथियों का स्वागत सम्मान करें। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो न्यूज 18 नेटवर्क है, देश का सबसे बड़ा नेटवर्क है और इसकी पहचान ही है कि सबसे पहले सबसे सटीक और सबसे विश्वसनीय न्यूज आप तक पहुंचाना। न्यूज 18 नेटवर्क का एक इनिशिएटिव ये भी है, वो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि राष्ट्र निर्माण में किन चीजों की आवश्यकता है, क्या नए ट्रेंड्स हैं, किन मुद्दों पर चर्चा होना जरूरी है। हमने इसी साल एक समिट की थी ई कॉमर्स 2024 के नाम से, और आप सभी की तरफ से जो उसको अपार समर्थन, सपोर्ट और उत्साह जो मिला, उसको देखते हुए हम ये इसका सीजन 2 लेकर के आए हैं, 2.0। हम यहाँ पर ई कॉमर्स, ई बिजनेस, ग्लोबल बिजनेस और ग्लोबल मार्केट में क्या सिनेरियो अभी चल रहा है और आने वाले वक्त में क्या हमारे पास में इस क्षेत्र में चैलेंजेस होंगे, क्या अपॉर्चुनिटीज होंगी, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। साथ में उन आइकन्स का जिन्होंने इस क्षेत्र में अपना मुकाम एक बनाया है, एक नाम बनाया, उनको सम्मानित करने का हमको यहाँ अवसर भी मिलेगा। मैं न्यूज 18 नेटवर्क की तरफ से आप सभी पधारे हुए सम्मानित अतिथियों का आभार प्रकट करता हूं और सादर अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। अब हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम पहले पैनल डिस्कशन की शुरुआत करें और मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी मिस श्रीन हमीद को, हुज अ डायरेक्टर फ्रॉम ALDS। मैम प्लीज कम ऑन स्टेज और एक बार जोरदार तालियां। इस डिस्कशन में हमारे साथ मिस श्रीन हामिद तो रहेंगे ही, लेकिन साथ ही में इंटरनेशनल पैनलिस्ट भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। जी बेमी अबुंड बारीन रहेंगे जीबल USA से, साथ ही में मिस प्राथी कॉफमैन हु इज अ डायरेक्टर फ्रॉम स्मॉल बिज मार्केटिंग USA, मिस्टर मार्क तानसे डायरेक्टर फ्रॉम क्लोमेना, मिस्टर जॉन कोनो हु इज अ डायरेक्टर फ्रॉम चियोडिया कॉरपोरेशन। एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी पैनलिस्ट के लिए। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम जी बेमी अबुंड परीन,
from Jibal, USA. So what is Vigil platform? Vigil is designed to automate and streamline compliance and cybersecurity processes for small businesses across the United States. It helps companies with all sort of standards like ISO 27001, PCI DSS. Majority, like financial institutions, you have to go through a lot of certifications and regulations. So we help streamline that process. Mark Trans from Lebanon. So I want to know, can you please elaborate on how Clumena utilizes artificial intelligence to provide personalized advice and guidance to parents? AI, we want to utilize it to make things easier, faster and convenient, meaning we want you to be hassle-free, saving you time and saving you money. And the way we use AI is through the generative AI. We know AI has been around us for a while, but what's different now is that it's like we're talking to each other nowadays, like we're talking to a human. So we wanted to adapt to our needs. And how Clumena is utilizing this is through our engine and understanding of the parent and, a caregiver's journey throughout this period and making sure that they are providing and responding back in that intuitive. Mr. John Kono from Japan. Sir, explain Skyrocket. Worldwide platform between developer, all kinds of developer and client who wants to develop something in IT market. So IT developer, of course, including Indian developer, they are suffering from high rate of hungry condition. Now I want to come on Ms. Prati Kaufman. Can you please tell us how small business effectively leverage digital marketing strategies to compete in the, especially in the global e-commerce landscape? That's a great question. First, I wanted to tell you my career started in Jaipur. Now I have a digital marketing agency which supports small businesses and global landscape. First of all, I think it's a lot easier to access global resources because of the internet revolution and just the accessibility of a computer and internet. So small businesses across the world are able to get better talent across the world at a very competitive pricing and access the best of the best. That's really, I think small businesses are enjoying that. And how they're using the digital marketing is, I mean, it's everywhere now. Yeah. The print is almost dead for small businesses. They cannot actually afford to do print marketing. Print can cost, a one ad to $3,000 to $4,000 here in a good magazine, and you have to show up at least 10 times before people would even know about you. And in the same budget, I think digital marketing can do way more for a small business than a print marketing. So that's how I think really digital marketing is coming in places. It's actually low cost. Mm-hmm. And more effective for small businesses to get in front of the right people. Now, I have with me this Shreen Hamid Khan from ALDS. Ma'am, in which category does Aladdin work in? Aladdin is a software development company which basically develops mobile applications in web. And we have our office in Jaipur and Pune. And we have 70 plus developers who are working with our company, and we have a very good market in Jaipur, and we are exploring the international market also at the same time. Okay. So Mr. J. Bemi Abundpari, how it helped the users in across USA? Well, now we're targeting small businesses. Says that it helps them to reduce the complexity and the cost associated with maintaining security practices. So for instance, if any company has to... Now, we have Mr. Mark Trans from Lebanon. So can you please tell us what inspired the development of Clumena and what gap in parenting support does it aim to fill? Technology, things have to be seamless, intuitive. And if we look at the history of how technology was, we're in an e-commerce platform today. How it used to be and how it is today, things have changed and it has evolved.
So why not parents evolve with the technology experience? And this is how it was inspired for me, and to utilize AI nowadays and evolve the parenting experience. Mr. John Kono, can you please tell us what will you do uniquely in Skyrocket? I have to say a few points. One is, of course, much lower commission rate than new company. India has many, many good developers. So we are, our duty is connect supply and demand. Okay. We are in demand side. India should be in supply side. Okay. So, Ms. Prati Kaufman, ma'am, can you please provide insights into the latest trends and innovations in digital marketing and e-commerce, especially for small business? So for the e-commerce, I mean, small business everywhere with the revolution of AI again, I think what I see happening in the industry is really customer is expecting you to learn about them deeply. So that's where we are using tech and AI to really understand our customer journey, their preferences, and more give them a very customized experience because they are expecting that you will do the thinking for them. Now, ma'am, Ms. Shreen Hami, ma'am, what is the future vision of ALDS? Yes, so the future vision of Aladdin Digital Solution is we want to work on AI in depth. That's what we really look forward for. And of course, you know, machine learning and cloud computing. So that's the target we want to work and take our company forward, because I think that's the need of the hour today, that we should, and I think we all really want to work with AI. So I think we are looking forward to work in depth with AI. Thank you so much, ma'am, for so much you have shared and discussed with us. A huge round of applause once again for all our panelists. अगले पैनल डिस्कशन के लिए मैं अपने सहयोगी आसिफ खान को स्टेज पर बुलाना चाहूंगी, और सेकंड पैनल डिस्कशन में हमारे साथ मौजूद रहेंगे मिस्टर किशोर, हु इज अ डायरेक्टर फ्रॉम देसी मोची, मिस्टर दिव्यांश के मंगल, हु इज अ डायरेक्टर फ्रॉम आइग्नोसिस, मिस्टर हितेश शुक्ला, डायरेक्टर ऑन पॉइंट एक्सप्रेस, मिस्टर के सत्येंद्र, हु इज अ डायरेक्टर फ्रॉम गुढ़ा पब्लिक स्कूल। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल हितेश जी आपके साथ में है, यहाँ से ग्लोबल ई कॉमर्स मार्केट में अगले 5 साल आप क्या देखते हैं, क्या भविष्य है 5 साल में? इस पूरे बाजार में सबसे ज्यादा इंटरनेट क्रांति जिन कंट्रीज में आई है जी, इसके अलावा अभी और जगह डेटा सस्ता होना शुरू हुआ है, जैसा आपको पता होगा इंडिया में सबसे सस्ता डेटा है। बिल्कुल, ज्यादातर यहाँ पे यंग एंटरप्रेनर्स और जो लोग अभी इस बिजनेस में आ रहे हैं, जितने सेलर्स इसमें ऐड हो रहे हैं उससे ज्यादा बायर्स ऐड हो रहे हैं। सेलर्स ऐड होते हैं, बाहर भी निकल जाते हैं, बायर्स आर कीप कमिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यहां से इस बिजनेस को एक नई स्केल पे लेके जा सकते हैं जो लोग आज एंटर होंगे। दूसरी जो सबसे अच्छी बात कि करीब करीब हर बिजनेस में एवरीबॉडी इज न्यू, तो ये स्टिग्मा दिमाग से निकाल दीजिए कि उनका बिजनेस तो सेट है, उनका तो बड़ा ब्रांड नेम है। एवरी ब्रांड हैव टू कम देयर एंड शोकेस विद न्यू स्पिरिट्स। सत्येंद्र जी, मेरा अगला सवाल आपसे है, स्कूल प्रारंभ करने का उद्देश्य क्या था, या उनकी पूर्ति कैसे करेगा ये स्कूल? स्कूलिंग में होता क्या है कि पेरेंट्स की बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती हैं जी। पेरेंट्स चाहते हैं कि बहुत जल्दी बच्चे को आफ्टर 12th ही गेट एडमिशन इन गुड यूनिवर्सिटी, और ये सभी की जरूरत भी है जी कि बच्चा 12वीं के बाद में अच्छी कॉलेज में एडमिशन ले। इसमें बहुत सारे हमारे इंस्टीट्यूट्स भी हैं, IITs हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, उन सब के लिए हमारे पास एक चैलेंज होता है कि आफ्टर 12th एवरी चाइल्ड शुड गेट एडमिशन इन गुड यूनिवर्सिटी। उसके लिए हम अपना प्लान बनाते हैं जी कि जब बच्चा एडमिशन ले तो उसके कौन कौन से ऐसे रब्रिक्स हैं जो हमें इम्प्रूव करने होते हैं, उसमें हम लोग काम करते हैं जी। उसमें सबसे बड़ा रोल होता है वो फैकल्टी का होता है, टीचर्स का होता है, टीचर्स रिक्रूटमेंट, टीचर्स फैसिलिटीज और द फैसिलिटी वी आर प्रोवाइडिंग टू द स्टूडेंट्स। हमारे जो कैंपस हैं अभी, जो अभी नीम का थाना मैंने कैंपस बनाया है अभी जी, उसमें वी आर प्रोवाइडिंग द वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज टू द स्टूडेंट्स। तो हम इंश्योर करते हैं कि जो बच्चा प्लस टू में यहाँ से पास आउट होगा
ही विल गेट एडमिशन इन गुड इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया एंड अब्रॉड, और उसके लिए हम लोग प्लान्स बनाते हैं। किशोर जी, यस सर, ई कॉमर्स में अपना व्यवसाय शुरू करने का विचार आपके मन में आया कैसे, देसी मोची को लेकर? नहीं नहीं, मैंने लेट मी आई टोल्ड यू दिस वाज नॉट माय आईडिया जी, दिस वाज आईडिया ऑफ वन ऑफ आवर स्टूडेंट, योर स्टूडेंट, राइट, बट दैट आईडिया वाज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट विद द नेम ऑफ देसी मोची एंड मेकिंग द ओन स्टोर्स एंड शी डिड दिस लेटर ऑन ultimately you know I entered into it somehow, right? Then the idea I told you, the idea, the main reason of a business is kisi bhi social cause ko agar aap address kar sakte hain, social cause ya social ek gap hota hai usko aap address kar sakte hain, so you can win the business. So the moment you talk about here mochi ki, desi mochi ke bare mein, social cause kya hai, social thing, 16,000 manufacturers hain shoes ke, right? अभी आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाएं, अमेजन पे जाएं, फ्लिपकार्ट पे जाएं, तो आपको नॉट मोर देन 1,000, बाकी 15,000 ऐसे लोग हैं अभी भी जो शू मैन्युफैक्चरर हैं लेकिन इन वेबसाइट्स तक नहीं पहुंच पाते। तो हमारा आइडिया ये है कि हम इन लोगों को भी, इन जो छोटे मैन्युफैक्चरर हैं, हम उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे, सो वी विल बी द एग्रीगेटर फॉर शूज अक्रॉस इंडिया। दिव्यांश जी, ऑटिज्म पे बात करते हैं, ऑटिज्म क्या है, समस्या कितनी बड़ी है और एग्रोसिस से आप इस समस्या का समाधान कैसे ढूंढते हैं? ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो बहुत शुरू में एक इंसान के लाइफ में आता है और वो किसी किसी के सोशल बिहेवियर, किसी के सोशल इंटरेक्शन को इफेक्ट करता है जिससे वो नॉर्मली डेवलप नहीं हो पाते, लोग फिर उनसे दोस्ती नहीं कर पाते और जो भी इनसे इससे पीड़ित हैं वो फिर अपनी लाइफ नॉर्मली नहीं जी पाते। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम डायग्नोसिस बनाया, हमने रियलाइज किया कि एआई एक स्केलेबल सॉल्यूशन है जो एक कॉम्प्लेक्स डिजीज जैसे ऑटिज्म है उसको जल्दी से फाइंड आउट कर सकता है, जो टेस्ट 2 घंटे में होगा वो 3 मिनट में कर देगा। तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके एक ऑब्जेक्टिव स्केलेबल एआई मॉडल बना रहे हैं जो आई ट्रैकिंग मूवमेंट को देख के कि बच्चा बैठेगा, उसको एक वीडियो दिखाएंगे और वो वीडियो देखते वक्त हम उसका आई ट्रैक मूव करें नोट करेंगे और उससे हमें पता लग जाता है कि ये टिपिकल डेवलपिंग है, नॉर्मल चाइल्ड है या फिर ये हाई रिस्क ऑटिज्म है या फिर इसको लो रिस्क ऑटिज्म है। दूसरा है कि ठीक है, डायग्नोसिस हो गया, ऑटिज्म है बच्चे को, तो अब क्या होता है, पेरेंट्स को पता नहीं होता कि क्या करना है, पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन नहीं है और अगर वो गूगल पे जाते हैं तो जेनरिक इन्फॉर्मेशन मिलती है, उनके बच्चे स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, तो उनको क्या एक्ट करना है वो आइडिया नहीं होता। उसके लिए हम चैट जीपीटी जैसा एक टूल, उसको ऑटिज्म जीपीटी बोल रहे हैं हम लोग, वो बना रहे हैं जिससे वो उस बच्चे के रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आंसर कर पाए। आप चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे इस खास कार्यक्रम ई कॉमर्स समिट में शामिल होने के लिए और अपना बेशकीमती समय देने के लिए, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अगले पैनल डिस्कशन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें कि हमारे साथ आज मौजूद रहेंगे Mr. Mohit Chaudhary, who is a director from Chirayu Hospital, and Dr. Kishore Agarwal from Chirayu Hospital. इसी के साथ हमारे इस panel discussion में रहेंगे Mr. Rajat Bohra, who is an associate professor and IIM alumni, Takshila Business School. Mr. Mohit Chaudhary, sir, you're from Chirayu Hospital. सबसे पहले पेपरलेस हॉस्पिटल का मतलब क्या होता है ये मैं भी जानना चाहती हूँ और हमारे सभी ऑडियंस भी जानना चाहेंगे। हमारे हॉस्पिटल के अंदर कोई भी आईपीडी फाइल नहीं है। यूजुअली हम देखते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर हर एक पेशेंट की एक फाइल बनती है, उसमें उसके सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो ये जो फाइल होती है पेशेंट की ये चिरायु हॉस्पिटल में है ही नहीं। ओके, सो दिस फाइल इज टोटली डिजिटलाइज्ड एंड बिकॉज इट इज डिजिटलाइज्ड हेंस द हॉस्पिटल इज पेपरलेस। डॉक्टर किशोर अग्रवाल सर, एज अ डॉक्टर आपके लिए पेपरलेस प्रोसेस को हैंडल करना कितना हैसल फ्री हो गया है? एज मोहित हैज बीन टोल्ड कि उसके पहले हमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज करनी है, लाइक पेशेंट नेम, एज एंड एवरीथिंग हैज टू बी देयर ऑन द पेपर्स, देन द पेशेंट इफ ही हैज बीन एडमिटेड देन ही हैज टू गिव अ प्रॉपर कंसेंट एंड एवरीथिंग हैज टू बी एक्सप्लेन हिम वेरी वेल, देन कम्स द नोट्स ऑफ अ कंसल्टेंट एज वेल एज सपोर्टिंग टीम दैट्स इंक्लूड्स रेजिडेंट एंड एवरीवन ओवर देयर। सो दिस यूज्ड टू बी अ बिग चैनल इनिशियली, लाइक वी आर बीइंग प्रैक्टिसिंग इनिशियली मार्केट में, जैसे भी हमें कि पेपर पे लिखना है लिखना है लिखना है, 2 years back we had adopted this concept of paperless. Initially it was a new, but as the global digitization is over there, so we had took the training
and become an expert in those things and been trained there over there. Sometimes human tendency hoti, hum kuch likh rahe hain, there can be errors. Errors agar paper ke upar ho raha, to then it shows ek, there is an error over there. But with digitalization, it's easy to correct them and to do and move forward. So it has been a good initiative. Mr. Rajat Bohra. Yes. सर एमबीए की, क्योंकि आज हम ई कॉमर्स के ऊपर बात कर रहे हैं, एआई के ऊपर बात कर रहे हैं, एमबीए के माध्यम से ई कॉमर्स के कितने सारे अलग अलग अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं? इफ यू सी विकसित भारत का जो है वर्किंग एंड 4400 बिलियन डॉलर्स का जो 2024 का डेटा है, राइट, विच इज गोइंग टू ग्रो टू 7800 बिलियन डॉलर्स इन 2029. आपका खुद का एक सर्वे था न्यूज 18 का, जिसमें 7% ऑफ हाउसहोल्ड्स आर यूजिंग ऑनलाइन शॉपिंग अभी कर रहे हैं, वो इंक्रीज होगा. जब वो इंक्रीज होगा तो सप्लाई चेन के लिए स्टूडेंट्स चाहिएंगे, आपका मार्केटिंग के लिए स्टूडेंट्स चाहिएंगे, फाइनेंस के लिए स्टूडेंट्स चाहिएंगे, तो इन सब सेक्टर्स के लिए जो मैन पावर आएगा वो एमबीए के थ्रू ही आएगा, अगर डेवलपमेंट वर्किंग करते हैं. थैंक यू सो मच टू ऑल आवर पैनलिस्ट, आपने इतनी खास जानकारी दी. और अब मैं अगले पैनल डिस्कशन की तरफ बढ़ूंगी, जिसके लिए मैं आसिफ खान को, मेरे सहयोगी को, स्टेज पर बुलाना चाहूंगी. और इस पैनल डिस्कशन में जो पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद रहेंगे, हितेशी शर्मा, को-फाउंडर केनवर्ड इंटरनेशनल, डॉक्टर अनंत शर्मा, पैट्रन एंड प्रिंसिपल ब्रेनोवेस्ट ब्रेन मैपिंग लैब इंडिया, गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, एंड मिस्टर अक्षय पारेख, साइकोलॉजिस्ट, यूएसए सर्टिफाइड काउंसलर एंड ट्रेनर, मिस्टर आनंद बी, हु इज अ को-फाउंडर फ्रॉम क्रेस्को. आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम ई कॉमर्स समिट 2024 में. हमारे साथ हितेशी शर्मा है, को-फाउंडर कैनवर्ड इंटरनेशनल स्कूल से. तो हितेशी जी, आप ही से शुरू करते हैं. कैनवर्ड एजुकेशन का प्लेटफॉर्म शिक्षा समुदाय के बीच संचार और सहयोग को कैसे कंफर्ट बनाता है, सुविधाजनक बनाता है, और ये प्रत्येक समूह को क्या लाभ देता है आपकी तरफ से? कैनवर्ड एजुकेशन एक ऐसा एजुकेशन कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे स्कूल्स अपने आप को लिस्ट कर सकते हैं, टीचर्स अपनी जॉब पोस्टिंग को पोस्ट कर सकते हैं, एंड वेंडर्स भी स्कूल से कनेक्ट हो सकते हैं. तो अगर हम देखें, हर एक चाइल्ड की ना नीड बहुत डिफरेंट होती है. उनके लिए एक पर्टिकुलर परफेक्ट स्कूल ढूंढना इन अ लोकेलिटी इज वेरी डिफिकल्ट, और कभी कभी पेरेंट्स गलत डिसीजंस ले लेते हैं जिसकी वजह से चाइल्ड के फ्यूचर को बहुत इम्पैक्ट पड़ता है. तो कैनवर्ल्ड एजुकेशन 100% ट्रस्टेड रिव्यूज के साथ पेरेंट्स को ईजी कर देता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में फॉर देयर चाइल्ड. डॉक्टर आनंद शर्मा जी, आप पैट्रन एंड प्रिंसिपल ब्रेकनोसेट ब्रेन मैपिंग लैब इंडिया. मेरा सवाल डॉक्टर अनंत आपसे ये है कि बच्चों को एजुकेशन में ब्रेन मैपिंग कितना फायदा पहुंचा सकता है, पहुंचाएगा, और स्कूल में इसे कैसे अप्लाई किया जा सकता है टेक्निकली? अगर हम बिना किसी साइंस के सिर्फ केवल जान लें कि हाँ ठीक है, एक काम करते हैं, इसके टेंथ में आपके ये अच्छे परसेंटेज आए थे, आपको ये मैथ्स लेंगे, आपको बायोलॉजी लेनी है, आपको ये लेना ले, कम बने फिर आर्ट्स, कम बने कॉमर्स ले लो, उससे कम बने आर्ट्स ले लो, ये टेंडेंसी बनी हुई है. बच्चों के जो टैलेंट है उसको देखना ही नहीं है, उसको समझना ही नहीं है, बस केवल ठीक है अंधेरे में तीर छोड़ दिया, जो लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो वैसे. तो इससे बेटर ये है कि हम लोगों ने क्या करा है, एक डीएमआईटी होता है, डर्मेटोग्लाइफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट, और एक आयरस एनालिसिस होता है. उसके जो एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्ट कंसल्टेंट है, वो हमारे साथ में है. तो इस टेस्ट के थ्रू क्या करा जाता है, वो भी पूरा साइंटिफिक टेस्ट, मतलब उसको स्किन को, जो स्किन्स हैं, जो आपके ये जो फिंगरप्रिंट्स हैं खासतौर पर, राइट, तो ये जो फिंगरप्रिंट्स जब जनरेट होते हैं ये डायरेक्टली कनेक्टेड है न्यूरॉन्स से. तो इस कारण से ये है डीएमआईटी के थ्रू. अच्छा, ये ऐसा नहीं कि अभी की ये टेक्नोलॉजी है, यूएसएसआर, आप ओलंपिक मेडल टैली जब आप देखेंगे उस टाइम की उठा करके, तो यूएसएसआर 100 टाइम्स बेटर था बाकी और कंट्रीज से. उसके बाद में जब वो टूट गया, फिर उसके बाद में जापान, यूएसएस, रशिया रहे, फिर टाइम पे यूएसए आया, और अब चाइना ने ये जो टेक्नोलॉजी है छोटे छोटे बच्चों पे यूज करना स्टार्ट कर दिया है. और उसका टैलेंट, बच्चे का टैलेंट जान करके उसको छोटी क्लास में ही उसी फील्ड में
वो प्रैक्टिस कराते हैं, उस टैलेंट को ट्रेन करके स्किल्स में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए वो मेडल जीत रहे हैं। हमारे साथ अक्षय पारिख जी हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, यूएसए सर्टिफाइड काउंसलर एंड ट्रेनर। इसका बहुत बेहतर जवाब अक्षय शायद अच्छे से दे पाए। कैसे लैब की शुरुआत किस उद्देश्य से की गई और आप इसमें क्या सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं जिससे उस बच्चे को मदद मिल सके? ब्रेनोसेट ब्रेन मैपिंग लैब जो है वो हमने इसको शुरू करने का जो मेन उद्देश्य ये था कि मेन जो प्रॉब्लम हमने देखी है एजुकेशन इंडस्ट्री की वो ये है कि हमारा जो पेरेंट्स है वो कन्फ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड के अंदर है, और ये जो कन्फ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड है वो सिर्फ पेरेंट्स का ही नहीं है, ये बच्चों का भी है। हमने इसकी जब स्टडी करा और जब मैंने फिर इसके बारे में रिसर्च करना शुरू किया, देन बहुत सारी कंट्रीज हमसे आगे हैं ऑलरेडी। इंडिया से यूएसएसआर पहला ऐसा देश था जिसने डर्मेटोग्राफिक को पूरी साइंटिफिक स्टडी, ये 200 इयर्स पुरानी है, और इस साइंटिफिक स्टडी को जब उन्होंने अप्लाई किया अपने देश के अंदर 1972 में, आप सर्च करिएगा, देन उसी साल 50 गोल्ड मेडल यूएसएसआर लेके आया था, और वही काम हम हमारे भारत देश के बच्चों को, राजस्थान के बच्चों को, उनके पेरेंट्स को, प्लस स्कूल्स के ऑनर्स को और स्कूल्स मैनेजमेंट को हम ये सिस्टम देना चाहते हैं ताकि वो स्कूल मैनेजमेंट उन बच्चों को, जो आर्ट्स का बच्चा है उसको आर्ट्स में बिठाए, जो मेडिकल का बच्चा है उसको मेडिकल में बिठाए, जो इंजीनियरिंग का बच्चा है उसको इंजीनियरिंग में बिठाए, और जो यूपीएससी का बच्चा है उसको यूपीएससी के अंदर बिठाए, जो कॉमर्स का बच्चा है उसको बिठाए। आपके रिजल्ट्स इतने शानदार रहेंगे संस्था के, और हमारे बच्चों के जो रिजल्ट्स हैं वो शानदार रहेंगे, बच्चा निराश नहीं होगा। थोड़ा विषय बदलते हैं और आनंद जी के पास चलते हैं। आनंद जी, प्रेस्को क्या है? 700 से ज्यादा अस्पताल, 30,000 से ज्यादा डॉक्टर्स और नर्सेस इसको आज यूज कर रहे हैं लास्ट 4 साल से। आज हम 8 लाख से भी ज्यादा पेशेंट्स इस सिस्टम पे रजिस्टर होते हैं, जिनकी पेशेंट की पूरी जर्नी, क्लिनिकल जर्नी इस सिस्टम पे लिखी जाती है जी। ठीक है, सो इट्स अ यूनिक डिवाइस, हेल्थटेक इनोवेशन अवार्ड विनिंग कंपनी है, और 30,000 से ज्यादा डॉक्टर को ये लिखा रहे हैं, और इनके हॉस्पिटल्स के जो ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स है इसको हमने सॉल्व किया है पेपरलेस करके। बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में, हमारे खास कार्यक्रम में आप चारों मेहमानों का। ई-कॉमर्स समिट सीजन 2.0 2024, आज इस महामंच पर हमारे साथ एक और हस्ती हैं, डॉक्टर अरविंद अग्रवाल, हु इज अ प्रेसिडेंट फ्रॉम आर्य ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मेन कैंपस। मैं अनुरोध करूंगी सर आपसे, आप कृपया मंच पर आएं और कीनोट से हमारे बीच सभी मेहमानों को संबोधित करें। एक बार जोरदार तालियां फॉर डॉक्टर अरविंद अग्रवाल जी के लिए। ई-कॉमर्स इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। गॉड ने हमारे लिए फिजिकल वर्ल्ड बनाया और हमने एक डिजिटल वर्ल्ड बनाया, और इस डिजिटल वर्ल्ड में हमने इतनी ही सहूलियत पैदा कर दी कि फैसिलिटीज पैदा कर दी कि विदाउट मूविंग आउट और विदाउट डूइंग एनीथिंग आप अपनी फिंगर्स से सब कुछ अपने आए आराम के लिए, अपने काम के लिए, अपने सामान के लिए कर सकते हैं। देर इज अ सेइंग द लेजी पर्सन हैज ए मैक्सिमम टाइम एंड टाइम इज मनी। तो ये जो ई कॉमर्स डिराइव करा गया था ये एक लेजी पर्सन के लिए डिराइव करा गया था क्योंकि उनके पास पैसा तो बहुत था लेकिन टाइम नहीं था या इतनी एनर्जी नहीं थी या इतना दिल नहीं था या इतना इंटेंशन नहीं थी कि वो जाकर वो उस पैसे को खर्च कर सकें। तो डेरिवेशन ऑफ ई कॉमर्स वॉज लाइक इन 1979 एंड बट इट टुक जो रॉकेट की तरह उड़ान ली इसने वो शुरू हुआ इंटरनेट के साथ 1994। लेकिन जैसे ही मोबाइल आया और बेस्ट थिंग मोबाइल के बाद मोबाइल एप्स आई और डेटा कंजर्वेशन होना शुरू हो गया एंड एवरीबॉडी स्विच्ड फ्रॉम द वेबसाइट टू द ऐप। आज यहाँ पे मैं आई विल आस्क टू एनीबॉडी कि कोई एक ऐसा नाम बता दें जो इंटरनेट पे नहीं बिकता हो। मेरे को तो कोई चीज याद नहीं आती जो ई कॉमर्स की साइट्स पे ना हो और एवरीथिंग एवरीबॉडी सडनली गॉट ए जॉब, बहुत जबरदस्त जॉब अपॉर्चुनिटीज आई देयर। देन देयर इज अ डिवीजन, एक केक था ई कॉमर्स की तरह, उसे केक कहा जाता था एंड इट बिकम्स अ $5 billion बेबी इन 2020 इन इंडिया एंड इट इज प्रोजेक्टेड दैट इट विल बिकम 30 billion बेबी बाय 2030। तो $30 billion इज अ ह्यूज मनी, 30 billion बिलियन के लिए कम से कम हमारे को 10 crore लोग चाहिए, और किस तरह से चाहिए क्योंकि केक एज ए ई कॉमर्स डिवाइड होता गया, पहले B2B आया,
फर्स्ट थिंग वॉज बी टू बी मीन्स बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस डायरेक्ट कंज्यूमर मासेस में है, बिलियंस में है, 6 बिलियंस है, आउट ऑफ 6 बिलियंस 3 बिलियंस आर ऑन द फोन और द कंप्यूटर्स। तो फिर वो मासेस में फैलना शुरू हुआ, ऐप के थ्रू फैलना शुरू हुआ, तो बी टू सी की शुरुआत हुई। हर बिजनेस वालों ने डायरेक्टली अप्रोच करना शुरू करा कंज्यूमर को, व्हाई शुड आई हैव ए शॉप, व्हाई शुड आई हैव ए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, व्हाई शुड आई हैव ए ऑल द, दे कट शॉर्ट एवरीथिंग अप्रोच टू द कस्टमर। उन्होंने और सारा जो सोशल मीडिया है, सी द इकोसिस्टम ऑफ द ई-कॉमर्स, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जहां पे आता है वो आता है सोशल इन्फ्लुएंसर्स। चाइना में आप मानेंगे दे आर मोर देन 20 मिलियन सोशल इन्फ्लुएंसर, उनका काम ही ये है कि टू क्रिएट द रील, टू अपलोड द रील और उसके बाद कस्टमर को अपना प्रोडक्ट बताना और कस्टमर को सेल करना। हमारे यूथ को ये फायदा होना शुरू हो गया कि वो रील्स बनाने लग गए एंड सोशल मीडिया पे जाने लग गए और वहां से एडवर्टाइजमेंट शुरू हो गई। दीज आर द बेसिक एस्पेक्ट ऑफ द ई कॉमर्स। टेक्नोलॉजी बहुत हाई है और रीच बहुत हाई है, और लेजी पर्सन के लिए और जिसके पास पैसा है उसके लिए तो ई कॉमर्स इज द ब्लेसिंग। एंड थैंक यू, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू। अब बात उस सेशन की जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि इंडिया के स्टार्टअप दिग्गज आज हमारे बीच अपनी जर्नी साझा करेंगे और तमाम उन चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करेंगे। आज हमारे बीच हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, हमारे स्पेशल गेस्ट द 100 ओपन स्टार्टअप्स के को-फाउंडर मिस्टर वरदराज कृष्ण, एक बार जोरदार तालियां, और सिक्योरिटी प्रोडक्ट एंड कंसल्टेशन एक्सपर्ट मिस्टर तरुण कृष्णमूर्ति, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। एक बार जोरदार तालियां हमारे स्पेशल गेस्ट के लिए जो कि 1-to-1 सेशन में जिसका नाम है ट्रेंड्स इन ई कॉमर्स इन इंडिया अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। आई कम फ्रॉम द स्टार्टअप वर्ल्ड फ्रॉम बैंगलोर, इंडियाज बिगेस्ट यूनिकॉर्न प्रोड्यूसर, 40% ऑफ यूनिकॉर्न्स इन द कंट्री आर फ्रॉम बैंगलोर एंड 40% ऑफ द नंबर ऑफ स्टार्टअप्स आल्सो आर फ्रॉम बैंगलोर। यू नो ई कॉमर्स इज ग्रोइंग वेरी फास्ट इन इंडिया, अभी टोटल मार्केट है 188 बिलियन, सो इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीबडी हियर। सो क्या हो रहे हैं अभी, वॉट आर द चैलेंजेस? चैलेंजेस नंबर वन, रूरल मार्केट में इंटरनेट पेनिट्रेशन बहुत कम है, और दूसरा है लॉजिस्टिक्स, सो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सो डिलीवरी करने के लिए बहुत मुश्किल है, सो ये दूसरा चैलेंज है। तीसरा चैलेंज है अबाउट यू नो ऑल्सो अबाउट द लैंग्वेज, बिकॉज यू नो मैनी मार्केट्स इन इंडिया दे डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश, दे डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, सो ये वर्नाकुलर लैंग्वेज चाहिए, उधर कंटेंट भी वर्नाकुलर चाहिए, सो दिस इज अ थर्ड चैलेंज। फोर्थ चैलेंज, of course I have my friend here, Mr. Tarun Krishnamurthy, comes from, used to work with Intel, he is going to talk about kya cyber security ka lot of you know transactions are happening, frauds are happening increasingly, like market is growing, opportunities also growing, at the same time there are lot of frauds happening, abhi kya karna, what can be done? Over to you. Dekhiye cyber security to sab jagah mein अभी सोच हो गया है, बहुत अवेयरनेस आ गया है। ई कॉमर्स का थोड़ा इधर उधर का सेम वही है, सिक्योरिटी फ्रेमवर्क जो भी करना है, डेटा प्रोटेक्शन जो भी करना है, सेम प्रैक्टिसेस है, बट स्पेशल जस्ट लाइक हॉस्पिटल्स, वी टॉक्ड अ लॉट अबाउट हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स में वो रिकॉर्ड्स जो भी पेपरलेस सब कर रहे हैं, वहाँ पे हिपा कंप्लायंस होता है और हाई ट्रस्ट का कंप्लायंस करना पड़ता है, सिमिलरली फाइनेंस हैज and so on. So e-commerce has again broad based the same practices, security practices across people, process, tools, how do you operate, all that has to happen, but additionally e-commerce has got this fraud that Varad talked about, fraud, you know, fake refunds, fake products, a lot of masquerading that happens, and then obviously we have started seeing this payment scamming that is going on, right? There are little more specific things that as a e-commerce site आपको देखना पड़ेगा कैसा develop कर रहे हैं, security अच्छा बनाया है कि नहीं। Thank you, Tarun. So अभी you were hearing about the challenges. I'm coming back to you, Tarun. There are a lot of shops, there are small and medium businesses, उनको e-commerce नहीं है,
So how do we help them to enable that e-commerce enabled business? So that helps in digitalization of the business, make it more efficient. Over to you. ये नया जो भी छोटा मोटा दुकान है उन लोगों का स्पेंडिंग एपेटाइट उतना ज़्यादा नहीं होता है एंड उनको थोड़ा यू हैव टू सीइंग इज बिलीविंग राइट उनको दिखाना पड़ता है तो क्विक एंड क्विक येट गुड क्वालिटी ई कॉमर्स साइट्स कैन बी डेवलप्ड यूजिंग लेवरेजिंग एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स सो दैट इज आई थिंक टाइम टू मार्केट यू शुड लेवरेज एंड ऑफ द डे वी वॉन्ट टू accomplish something that is useful to people, useful to businesses, and so on. So supply chain, logistics, warehouse management, there are all several kinds of tools. And, you know, I keep coming back to security and data protection lifecycle. Kiska data le rahe hai, personal data le rahe hai, ye sab bahut penalty pad sakti hai. So I would like to move everyone to start thinking not at the lowest website level and things like that. That's been there, done, right? Let us build value-added services for e-commerce. Thank you very much. Amit Bhatji ko anurodh karungi ki aap kripya manch par aaye. Ek baar zordaar taaliyan. Ab wo waqt aa gaya hai ki hum apne beech jo diggaj hain unko hum sammanit kare. Sabse pehle main stage par bulana chahungi Mr. Irfan Khan and team from Aladdin Digital Solutions. मौजूदा डिजिटल एरा में अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ देश और दुनिया भर में डिजिटल सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहा है अलादीन डिजिटल सॉल्यूशंस यूएसए में ह्यूमन अवतार क्रिएशन टेक्नोलॉजी में ALDS का काम बेजोड़ इनोवेशन की मिसाल बना है जयपुर और पुणे में स्थित अपने ऑफिस में 70 से भी ज्यादा कुशल डेवलपर्स की टीम के जरिए अपनी सेवाएं दे रहा है ALDS के विजन और अचीवमेंट्स की न्यूज 18 सराहना करता है Mr. Virendra Parikh, Director, Marketing and PR, Mahatma Gandhi Hospital, Jaipur. Mahatma Gandhi Hospital, Rajasthan mein niji kshetra ke healthcare leaders mein shamil hai. 1450 bedded is hospital mein takriban 550 se adhik varishth va anubhavi chikitsak tatha 1000 nursing staff apni sevaen de rahe hain. Organ transplant ke sarvashresh kendra ke roop mein vikhyat rajya mein sarvadhik 1650 kidney transplant ka record bhi bana chuka hai. Mahatma Gandhi Hospital, Jaipur ki sevaon ko News 18 नमन करता है मिस्टर हितेश शुक्ला हु इज अ डायरेक्टर फ्रॉम ऑन पॉइंट एक्सप्रेस ई कॉमर्स बिजनेस की दुनिया में सुविधाजनक रूप से कारोबार को बुलंदियों पर पहुंचा रही है ऑन पॉइंट एक्सप्रेस LLP एक ऐसी ई कॉमर्स कुरियर कंपनी जो वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी के साथ बड़े और सुनियोजित नेटवर्क के जरिए बिना किसी परेशानी सुरक्षित कुरियर और डिलीवरी सर्विसेज मुहैया करा रही है ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ऑन पॉइंट एक्सप्रेस LLP ई-कॉमर्स के क्षेत्र में नया आयाम रच रही है मिस्टर के सत्येंद्र हु इज अ डायरेक्टर फ्रॉम गुढ़ा पब्लिक स्कूल राजस्थान के एजुकेशन सेक्टर में उल्लेखनीय योगदान देने वाला प्रतिष्ठित नाम है गुढ़ा एजुकेशन हब जिसकी फ्लैगशिप में गुढ़ा पब्लिक स्कूल नीम का खाना क्वालिटी एजुकेशन और स्टूडेंट के समग्र विकास के नए स्टैंडर्ड्स बना रहा है नीट और IIT JEE एग्जाम्स की तैयारी कराने वाले स्टूडेंट्स के लिए गुढ़ा एजुकेशन हब द्वारा संचालित I30 कोचिंग इंस्टीट्यूट सफल मार्गदर्शक साबित हो रहा है गुढ़ा एजुकेशन हब के विजन और मिशन को न्यूज 18 करता है नमन आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर मोहित चौधरी हु इज अ डायरेक्टर फ्रॉम चिरायू हॉस्पिटल बीते 7-8 वर्षों में राजस्थान के हेल्थ केयर सेक्टर में क्रांतिकारी बदलाव और सुधार का माध्यम बना हुआ है चिरायू हॉस्पिटल जयपुर राज्य के टॉप 10 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में शामिल चिरायू हॉस्पिटल फास्टेस्ट ग्रोइंग हॉस्पिटल है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं और स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ लाखों मरीजों के विश्वास का पहला नाम भी बन चुका है नई बुलंदियों को छू रहे चिरायू हॉस्पिटल के समर्पण और सेवा भावना को न्यूज 18 सलाम करता है Who's a co-founder from Presco? और इस श्रेणी में अगला नाम है डॉक्टर अनंत शर्मा who's a patron and principal from Reno West and Mr. अक्षय पारिक who's a psychologist, USA certified counselor and trainer. करियर या जीवन का लक्ष्य चुनते वक्त सिर्फ दिल के ही नहीं बल्कि दिमाग की सुनना और समझना भी जरूरी है इसलिए साइंटिफिक तरीकों से बच्चों की ब्रेन मैपिंग कर रही है ब्राइनोसेट ब्रेन मैपिंग लैब इंडिया
ब्राइनोसेट ब्रेन मैपिंग लैब करियर गाइडेंस रिपोर्ट देता है, जिसमें हर बच्चे को 10 वर्ष तक की काउंसलिंग की सुविधा भी मिलती है। देश को बुलंदियों पर ले जाने के विजन और मिशन के साथ काम कर रही ब्राइनोसेट ब्रेन मैपिंग लैब इंडिया को न्यूज 18 करता है सलाम। गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ब्रेनोवेस्ट मैप ब्रेन मैपिंग लैब इंडिया। डॉक्टर अरविंद अग्रवाल फ्रॉम आर्या कॉलेज। बीते दो दशकों से राजस्थान में लीडिंग इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट बना हुआ है आर्या कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग यानी एस जयपुर। आरटीयू सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से नवाजे जा चुके एस में रिसर्च, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप पर फोकस किया जाता है। बीते 20 वर्षों से 80% से भी ज्यादा प्लेसमेंट्स और आरटीयू मेरिट होल्डर्स देने वाले आर्य ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के कॉन्ट्रीब्यूशन की न्यूज 18 सराहना करता है। Mr. Jitendra Kalesh, who is a marketing head from Rex Pipes and Cables. उत्तर पश्चिम भारत की पाइप्स एंड केबल इंडस्ट्री की लीडिंग कंपनी है REX पाइप्स एंड केबल इंडस्ट्री लिमिटेड, जो ऐसे क्वालिटी प्रोडक्ट्स सप्लाई करने के कमिटमेंट के साथ काम कर रही है। REX इंडस्ट्रीज UPVC पाइप, HDPE पाइप, केबल्स, फिटिंग्स और एसेसरीज की बड़ी रेंज वाली प्रोडक्ट्स बनाती है। REX पाइप्स एंड केबल इंडस्ट्री लिमिटेड के अचीवमेंट्स को न्यूज 18 का सलाम। ग्लोबल लीडर्स बनकर देश और दुनिया में सकारात्मक प्रभाव डालने का जुनून रखने वाले युवाओं के सपने को पंख दे रहा है वाइब्रेंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, क्वालिटी हायर एजुकेशन का केंद्र और स्टूडेंट्स की पहली पसंद बन चुके वाइब्रेंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं और तकनीक से सुसज्जित है, जो स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप और प्रैक्टिकल के जरिए हमेशा कुछ नया और बेहतर सीखने के अनुभव को बढ़ाते हैं। वाइब्रेंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के संकल्प और प्रयास की न्यूज 18 सराहना करता है। Dr. Mukesh Bhati, who is a founder and CEO from Noble Wisdom Institute Educational Consultant Nadol. Quality education से युवाओं को विकास और जन कल्याण में भागीदार बनाने का विजन रखने वाले लीडर हैं Noble Wisdom Institute के संस्थापक और CEO Dr. Mukesh Kumar. स्टूडेंट्स को बेहतर प्लेसमेंट दिलाने के लिए Noble Wisdom Institute ने इंटरनेशनल कंपनीज के साथ हाथ मिलाया है। Noble Wisdom Institute के माध्यम से एजुकेशन सेक्टर को शिखर पर ले जा रहे डॉक्टर मुकेश कुमार के जज्बे और जुनून को न्यूज 18 का सलाम। श्री राजकुमार मूंड, हु इज अ डायरेक्टर फ्रॉम चनाना पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल चनाना झुंझुनू। मिस्टर हिमांशु कसवान, एकेडमिक डायरेक्टर फ्रॉम राजस्थान एनडीए एकेडमी सीकर। Dr. Dhananjay K. Mangal from AI Genesis Babylon Hospital. Mr. Nikhil Sharma from Kenwood International Education. Kishore Sharma, who is a director from Desi Mochi. Shri Bharaji Jain, director from Jainam Milk Products, Rani Station, Pali. Mr. Vijay Kumar Bhatsir, Director from HRD Higher Secondary School. Acharya Rajanan Shastri Ji, Shri Ram Mandir Ayodhya Dharmik Ayojan Seva Samiti Evam Astro Solutions and Hanumangari.com. और अब मैं अमित भट्ट जी से अनुरोध करूंगी, वो हमारे बीच हमारे खास मेहमानों का एक बार सम्मान करें। एक बार जोरदार तालियां हमारे बीच दोनों विशिष्ट अतिथियों का, मिस्टर वरदराजन कृष्ण एंड मिस्टर तरुण कृष्णमूर्ति जी। और अब ALDS प्रेजेंट्स ई-कॉमर्स समिट 2024 सीजन 2.0 न्यूज 18 राजस्थान में हमारे जितने भी खास मेहमान थे, आप सभी का आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड दिस इज योर होस्ट भावना शर्मा साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।